So Pratibha Patil was remembered and very famous by her simplicity and instinctive lifestyle. Okay, तो उनकी जो एक स्वाभाविक जो lifestyle थी उनके लिए आज भी वो famous है as a first women president of India and the governor of Gujarat. Understood? Now let's we move to the Indira Gandhi, first women prime minister of India. बस हमारे प्राइम मिनिस्टर तो जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल जवाहरलाल जो उनके फादर थे. यस, और वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. फिर इनकी बेटी भी प्राइम मिनिस्टर बनी एज अ वुमेन प्राइम मिनिस्टर, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंदिरा गांधी इज रिमेम्बर्ड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री. In the year, underline the year 1971, she achieved a glorious victory against Pakistan. तो पाकिस्तान के साथ जब वॉर हो रहा था तब ये प्राइम मिनिस्टर थी हमारे इंडिया की. एंड शी वॉज सक्सेसफुली, क्या बोलते हैं, जीत पाई, विक्टरी हम कर पाए इन द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, विच इज रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री. तो हिस्ट्री के रिकॉर्ड में भी किया गया है कि इंदिरा गांधी के जब वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी तब उसने इतना अच्छा काम किया कि शी उनके पीरियड में हम जीत गए थे पाकिस्तान से. ओके, शी इज नोन अराउंड द वर्ल्ड एज एन आयरन लेडी. यस, तो वो एक हमारी आयरन लेडी कहलाती है हमारे पूरे वर्ल्ड में इवन. ओके, सो शी वॉज नोन वेरी फेमस एज आयरन. और आयरन मैन कौन कहलाता स्टूडेंट्स? वेरी गुड. ओके, नाउ सुषमा स्वराज, वी रिकॉग्नाइज अब वो नहीं रहे, शी जस्ट डाइड, इंदिरा गांधी भी चले गए और सुषमा स्वराज तो अभी उनका हुआ था. वी रिकॉग्नाइज सुषमा स्वराज एज द फर्स्ट वुमेन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. तो वो हमारे देश की फर्स्ट वुमेन फॉरेन का मिनिस्टर रह चुकी है. यस, दिस वुमेन हु स्पेंट मेनी इयर्स इन पॉलिटिक्स वाज प्राउड टू बी द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन द हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट. वो इसके लिए भी फेमस है कि वो फर्स्ट वुमेन फॉरेन मिनिस्टर हमारी कंट्री की रह चुकी है. एंड यंग एज में उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर कर लिया था एंड शी वॉज द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर इन द हरियाणा. तो वो रह चुकी है यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर इन हरियाणा. नाउ नेक्स्ट, लता मंगेशकर, हम सब जानते हैं इनको. यस, लता मंगेशकर हु हैज मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ इन द वर्ल्ड एज ए क्वीन ऑफ मेलोडी. उनकी जो आज आवाज है, आज भी अगर वो गाएगी तो इतना भले एज हो गई उनकी, बट उनकी वॉइस इतनी मेलोडी है कि इतने सुपर हिट सॉन्ग्स उन्होंने बॉलीवुड को दिया है. भक्ति में देखो या बॉलीवुड में देखो, यस, शी इज अलाइव. शी हैज सम मोर देन 40,000 सॉन्ग्स इन वेरियस लैंग्वेजेस. ज्यादा तो उन्होंने हिंदी में दिया है, नो डाउट, बट रैदर देन हिंदी शी सैंग फॉर अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो. यस, यस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अवॉर्डेड हर विद भारत रत्न. सो उसको इंडिया की गवर्नमेंट ने भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स उनके, लता मंगेशकर की आवाज, यस, सो मेनी सॉन्ग्स आर देयर. उसमें एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था ये, एक तू ही भरोसा, सुना आपने नाम? दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग आल्सो संग बाय, मेनी सॉन्ग सॉन्ग बाय हर, गॉट इट? नाउ कल्पना चावला, कल्पना चावला वॉज ऑफ इंडियन ओरिजिन. यस, वो इंडियन ओरिजिन की थी एंड शी वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड इंजीनियर. वो अमेरिका बॉर्न, यहाँ पर ओरिजिन मतलब उनके जो मदर फादर थे वो इंडिया के थे एंड शी वॉज ओरिजिन ऑफ इंडिया एंड वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. वो अमेरिका के एस्ट्रोनॉट थी एंड द इंजीनियर हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो टू स्पेस.
और इंडिया की फर्स्ट, इंडिया ओरिजिन्स की फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो पूरा सक्सेसफुल करके जब रिटर्न आ रही थी नीचे, वेरी गुड, वाई नॉलेज। ऑन हर वे बैक एज एन एस्ट्रोनॉट शी हैड एन एक्सीडेंट एंड डाइड, सो सैड नो। हर नेम विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द स्पेस, अंडरस्टूड। तो उसका नाम आज भी हम स्पेस में एसोसिएट, मतलब उसको याद करते हैं। नाउ सरिता गायकवाड़, स्टार्टिंग फ्रॉम खेल महाकुंभ, सरिता गायकवाड़ हैज कैरिड इंडिया गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। तो गोल्ड मेडल भी ला चुकी है वो एशियन गेम्स महाकुंभ में पार्टिसिपेट कर रही है। तो जब भी हमें कुछ गोल्ड मेडल्स या सिल्वर मेडल्स मिलता है जो इंडिया के लिए प्रेजेंट करता है उधर, सो दैट्स अ वेरी ग्लोरियस फॉर अस, हमारे लिए बहुत एक अच्छा अचीवमेंट है। यस, शी हैज बीन सिलेक्टेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट एज एन एम्बेसडर फॉर माल न्यूट्रिशन फ्री गुजरात। तो गुजरात में जो माल न्यूट्रिशन में अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो विमेन्स को, इवन सब लोगों को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर उसको अम्बेसडर बना के दिया था गुजरात ने। यस, फॉर दिस मूवमेंट, एक्चुअली दिस वॉज वन टाइप ऑफ मूवमेंट, वॉट इट, तो एक मूवमेंट था, एक मिशन था, सॉरी। इस मिशन में इश्यूज ऑफ हेल्थ है, एजुकेशन का जो है इश्यूज है, उस सब मैटर्स में यहाँ पर डिस्कस किया गया। यस, शी इज अलाइव। Now, birth ratio, millions of people across the country are involved in the census. The census is conducted in the year in which the unit number is 1. The last census was carried out in 2011. The first census was conducted in the year 1871. To underline, the census is conducted every 10 years by the central government. When will the next census take place? अब सेंसस की बात आए, द काउंटिंग ऑफ पीपल, द काउंटिंग ऑफ रेशियो, द काउंटिंग ऑफ लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट, द काउंटिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द काउंटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, द काउंटिंग ऑफ वेरियस, जो काउंटिंग का काम हमारे देश में चलता है ना, आज भी बोलते हैं कि हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी करोड़ की पब्लिक है, तो वो सब काउंटिंग किया गया, तो वो काउंटिंग को हम बोलेंगे सेंसस। सेंसस मतलब हर 10 साल में काउंटिंग होता है, इसलिए आपके घर पर इंफॉर्मेशन पूछना आते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने पढ़े लिखे, टेंथ कितने पढ़े लिखे, कौन सी एज ग्रुप के लोग ज्यादा है। यस, सो बाय दिस वो रिकॉर्डिंग करते जाते पूरे एरिया वाइज, स्टेट वाइज, देन पूरे सेंटर में हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया में कितने परसेंटेज वुमेन्स है, कितने एज ग्रुप के बच्चे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो लास्ट सेंसस हमारा किया गया था 2011 एंड दिस ईयर 2021 अगेन सेंसस इज कैरिड आउट। तो हमें पता चलेगा डे एंड ऑफ दिस ईयर कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कम हो गई, ज्यादा हो गई, या कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना इंप्रूवमेंट है। यस, अंडरस्टूड, कितना कौन से स्टेट में किसका लिटरेसी रेट आई है, कौन सा स्टेट पढ़ाई में कम है, कौन से स्टेट में विमेन एजुकेशन अच्छा है, कौन से स्टेट में मैन का हायर क्या बोलते लिटरेसी रेट है, इलिटरेसी रेट है, ये सब चीजें 2021 में हमें नया रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन मिलेगा। ड्रास्टिक चेंज इज नोटिस इन द बर्थ रेट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, हियर वी सी डिफरेंस इन जेंडर रेशियो इन गुजरात, दिस डिटेल शो नंबर ऑफ वुमेन अगेंस्ट थाउजेंड्स मेन। यहाँ पर हम कैसे काउंटिंग करेंगे पता है, ये तो वुमेन्स का काउंटिंग है, इनके सामने थाउजेंड्स के सामने मेन का थाउजेंड्स है, तो वुमेन का कितना है वो काउंटिंग यहाँ पर पता है। ओके, वुमेन अगेंस्ट थाउजेंड मेन, डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिटेल्स। टोटल जेंडर रेशियो गुजरात में 919, इंडिया में 943, डिफरेंस कितना है 24 का डिफरेंस है। रूरल एरिया में अगर देखें तो विमेन अगेंस्ट 1000 मैन 949,
इंडिया 945, देयर इज नो डिफरेंस. अर्बन एरिया में अगर देखें तो वेरी ड्रास्टिक डिफरेंस है 880 एंड इंडिया में 929 डिफरेंस इन 49. जेंडर रेशियो अकॉर्डिंग टू 0 टू 6 इयर्स ऑफ एज, अगर हम देखें 0 टू 6 इयर्स ऑफ के एज के बच्चों का रेशियो, मैंने बोला था फीमेल 40 साइड, गर्भ में ही लेडीज गर्ल्स को मार दिया जाता है, कल हमने पढ़ा था. तो ऑफकोर्स ये एज के बच्चे कम ही होंगे ना, यस, क्योंकि लड़की को तो गर्भ में अबोर्ट किया जाता है. सो 886 अगेंस्ट 1000 मैन, 914 अगेंस्ट 1000 मैन इन इंडिया, डिफरेंस 28 है. रूरल में देखिए तो हम 906, इंडिया में देखिए तो 919 एंड डिफरेंस इज 13. अर्बन में अगर हम देखें डिफरेंस अगेंस्ट मैन वुमेन अगेंस्ट 1000 मैन तो 852, इंडिया में अगर देखें तो 902, 50 का डिफरेंस आता है. यस, नाउ नेक्स्ट, दीज आर द सम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व इट, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. यस, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो दीज आर द क्वेश्चंस, डू राइट फॉर द होमवर्क. Which problems occur due to this difference? So, आपको सोचना है, आपका ओपिनियन मुझे चाहिए कि आपको क्या लगता है ये डिफरेंस क्यों है. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Why is there a lot of difference between urban and rural man? क्यों फर्क है ऐसा. Why gender ratio is important along with the population growth? पॉपुलेशन ग्रोथ होने के साथ साथ क्यों हमें क्या बोलते हैं जेंडर रेशियो इम्पोर्टेंट है. वी फील जेंडर रेशियोज ऑफ वुमेन एंड मैन सिमिलर अराउंड अस, सिमिलर आपको दिख ही रहा है. द रेशियो ऑफ वुमेन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट हाफ अकॉर्डिंग टू द सेंसस सो फार. जेंडर इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इज ऑब्जर्व इन इंडिया, हमारे इंडिया में हमने ऑब्जर्व किया गया है कि डिफरेंस तो है ही है, अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस. बिलो इज अ नोट अबाउट द रेशियो ऑफ वुमेन इन डिफरेंट इयर्स. अब हम वुमेन का रेशियोज देखेंगे अलग अलग सालों में, 1901, 972, 1911, 964, 1921 द रेशियो ऑफ वुमेन, 955, 1931 तो 950, 1941, 945, 1951 द रेशियो ऑफ वुमेन इज 946, इन द ईयर 1961, 941, 1900, इन द ईयर 1971, 930 का रेशियो है, 1981, 934, 1991 द रेशियो 926, 2001 में देखो तो 933, 2011 में देखो तो 940, अब 2021 का हमें पता चलेगा. He saw that the number of female per 1000 male in 19, अगर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम मेन से कंपेयर भी कर रहे हैं, 1000 मैन है तो वीमेन का ये परसेंटेज है, ये रेशियो है. ओके, सो इन द ईयर 1901 में आपको देखने को मिलेगा कि द रेशियो इज 972 विच हैज डिक्रीज टू 940 इन 2011. यहाँ पर रेशियो बराबर था 1901 में, अगर यहाँ पर हम रेशियो देखिए तो इट इज डिक्रीजिंग, नो, कम हुआ है ना. डिस्कस द फॉलोइंग बेस्ड ऑन दिस डिटेल. थिंक एंड से इन विच ईयर, ये आपको टेबल में देखकर आपको फाइंड आउट करना है आंसर, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, वी जस्ट ब्रिंग दिस आंसर. इन विच ईयर इज द रेशियो ऑफ वुमेन हाईएस्ट, इन विच ईयर इज द रेशियो ऑफ वुमेन लोवेस्ट, व्हाट हैपेंस इफ द रेशियो ऑफ वुमेन डिक्रीजेस, व्हाट स्टेप डज द गवर्नमेंट टेक टू एलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटी, की सरकार क्या कर रही है ये जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव करके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्टडी ऑफ वुमेन्स मूवमेंट. अब वुमेन्स भी यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट उन्होंने क्या बोलते हैं स्टार्ट किया. ओके, वेरियस मूवमेंट्स वर स्टार्टेड बाय अवर वुमेन्स इन अवर कंट्री. लेट्स सी कि कौन से मूवमेंट्स थे. बिफोर अवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट मेनी एजिटेशंस टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश हु रूल्ड द होल कंट्री. एजुकेशन की स्टूडेंट्स आप लिखो यहाँ पर स्टेट ऑफ एनेक्सिटी और नर्वस सिस्टम. यहाँ पर हम
जब ब्रिटिश हमारे देश में रूल कर रहे थे तो यहाँ पर हमें बहुत गुस्सा था, हमें एक झिझक थी कि वो रूल कर रहे हैं, एजिटेशंस मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था उनके प्रति। यस, तो गांधी जी आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए ब्रिटिशर्स को रिमूव करने का, यस और नो? यस। यहाँ पर इंडियंस लोगों ने अगेंस्ट में जाकर फाइट किया ब्रिटिशर्स, दैट इज कॉल्ड एजिटेशंस। Understood? Let me complete this paragraph. Various agitations took place under the leadership of Gandhi Bapu. बहुत सारे ऐसे हमने आंदोलन किए against Britishers by Gandhi Bapu. Many women from all over the country, including Gujarat, joined with Kasturba in this movement. Even जो कस्तूरबा थी, उनके साथ भी बहुत सारे women's ने participate किया Britishers को देश से निकालने का काम, आंदोलन। Sometimes agitations take place against the government to satisfy demands. Sometimes small and big movements happens around us. In Bihar, women staged a successful agitation against the government for banning alcohol. वैसे हर जगह में स्टेट्स में हमने देखा है कि इवन बिहार में अल्कोहल को बैन करने के लिए विमेन्स ने यहाँ पर एजिटेशन आंदोलन किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड सक्सेसफुली दे सक्सीडेड ऑल्सो। Especially in the summer, sometimes the women of the city area agitate for water. Many other similar important movements for women have taken place. So likewise, for water also many agitations, various movements started in our country. Understood? Women join this movement and agitate for their problems. यहाँ पर आंदोलन क्यों किया? Why? Because they had a various problem. अब उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। सो दीज आर द क्वेश्चन, व्हाई हैड दैट मूवमेंट टेकन प्लेस, व्हाई डू यू नो अबाउट द वुमेन मूवमेंट। तो हम ये डिटेल्स में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, सो विद दिस अवर चैप्टर गेट्स ओवर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। Bye.